सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरोला की ब्रांडिंग के साथ आने वाले ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन जिनकी कीमत आपको 13,000 रुपए से भी कम देखने को मिलने वाली है। इस प्राइसिंग में दोस्तों आप काफी कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, तो आप इस लिस्ट को इस तरीके से देख सकते हैं कि बेस्ट मोटरोला नहीं, ये बेस्ट स्मार्टफोन भी है 13,000 से कम की रेंज में। थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है अगर हम ओवरऑल सभी स्मार्टफोन ब्रांड को लेते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक मोटरोला को लेते हैं तो ये टॉप 3 स्मार्टफोन है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बेस्ट स्मार्टफोन की आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बात करें दोस्तों लिस्ट में आने वाले पहले स्मार्टफोन से, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको कुछ खास भी देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों मैं इन टॉप 3 स्मार्टफोन की कुछ आपको कमियां भी बताऊंगा, जो दोस्तों इसके अंदर अगर और होती तो शायद ये स्मार्टफोन बेस्ट स्मार्टफोन होते इस ओवरऑल मार्केट के अंदर। लेकिन ये है मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन, तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। पहला स्मार्टफोन है मोटो G51 5G। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट में पहला स्मार्टफोन है हमारा 5G स्मार्टफोन। तो ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को, और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर ये रन करता था। 12 का अपडेट इसमें ऑफिशियली आ भी चुका है। साथ ही इसमें देखने को मिलती है 6.8 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट देती है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 प्लस चिपसेट दिया गया है, जो कि आपका 5G ग्रेड वाला 2 GHz की क्लॉक स्पीड और 8 नैनोमीटर पर प्रोसेसर बेस्ड है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है इस स्मार्टफोन की। हाँ, आपको 5G तो ये प्रोसेसर दे ही रहा है। उसी के साथ दोस्तों इसे स्मार्टफोन में देखने को मिलती है बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप, मेन है 50 मेगापिक्सल का, हाथ का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में देखने को मिलती है पंच होल डिजाइन की 13 मेगापिक्सल की सेल्फी। कैमरा क्वालिटी बैलेंस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के मुताबिक। और साथ ही उस स्मार्टफोन में एक 5000mAh की बैटरी है, जो कि 20V के चार्जर के साथ आती है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट और 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक्स्ट्रा भी बढ़ाया जा सकता है SD कार्ड के जरिए। कीमत की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जो स्मार्टफोन में होते तो शायद स्मार्टफोन और अच्छे भी हो सकते थे। तो कीमत इसकी 12,249 रुपये, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को इस टाइम मिल रही है। किसी भी सेल में इससे कम कीमत इसकी नहीं हुई है, तो आप ये अंदाजा कभी मत लगाइएगा किसी सेल के अंदर इस प्राइस रेंज कम हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जो ये अच्छा और स्मार्टफोन करा सकते थे। जैसे कि दोस्तों लॉन्चिंग डेट एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि दोस्तों ये 2021 में लॉन्च हुआ था, तो आपको ज़्यादा अपडेट्स तो आगे देखने को मिलने वाले नहीं है। लेकिन ये एक 5G प्रोसेसर के साथ एंड्रॉइड 12 दे रहा है, तो ये अच्छा फ़ोन फिलहाल तो है, लेकिन फ्यूचर स्मार्टफोन को लेना थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं हो सकता। उसी के साथ इसका बैक डिज़ाइन, जो कि दोस्तों आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं देखने को मिलता, थोड़ा अच्छा डिज़ाइन और हो सकता था। बाकी इस स्मार्टफोन के फीचर्स, क्वालिटी, डिस्प्ले सभी अच्छी देखने को मिलती है, तो 2022 के अंदर भी इस 5G स्मार्टफोन को लिया जा सकता है 12,249 रुपए में। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्मार्टफोन की। सो लिस्ट का दूसरा स्मार्टफोन हमारा है मोटो G2। ये लॉन्च हुआ था 25 अप्रैल 2022 को, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर ये स्मार्टफोन रन करता है। साथ ही इसमें 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस OLED पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले कमाल की है इस फोन की। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट दिया गया है। ये एक 4G प्रोसेसर है, जो कि 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, और साथ ही ये 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। प्रोसेसर कमाल का देखने को मिलता है। उसी के साथ बैक फेस में भी 3 ही सेंसर है, मेन है 50 का, 8 का वाइड है और 2 का ही माइक्रो लेंस है। फ्रंट में देखने को मिलती है इसमें 16 मेगापिक्सल की पंच होल डिजाइन वाली एक सेल्फी। साथ ही इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है 1TB तक का स्टोरेज एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए SD कार्ड के जरिए। 5000mAh की बैटरी है, 33V का चार्जर देखने को मिल जाता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कीमत की बात करें इस स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन की कीमत 12,999 रुपये आपको देखने को मिलती है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB 128GB लेना चाहते हैं तो उसकी 13,999 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। 1000 रुपये में आपको 2GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज फालतू देखने को मिल रही है। फीचर सेम होने वाले हैं। मेरी एक पर्सनल रिकमेंड है कि अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक फोन नहीं चाहिए यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं करना है, मोटो G52 एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये 4G स्मार्टफोन है, लेकिन फीचर जो है वो कमाल के इसके देखने को मिलते हैं। लुक स्मार्टफोन की अच्छी है, फीचर स्मार्टफोन के अच्छे हैं, बस इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इसका स्मार्टफोन का 4G वेरियंट, 5G है नहीं, अगला वेरियंट 5G ही आएगा, इस बात को आप लिख के रख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और
आखिरी स्मार्टफोन की लिस्ट का तीसरा और आखिरी स्मार्टफोन हमारा है मोटो G32। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों एक 4G फोन ही है, लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2022 को और ये काम करता है एंड्रॉइड 12 पर। साथ ही स्मार्टफोन में देखने को मिलता है आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, प्रोसेसर कमाल का है जैसा कि मोटो G52 का है। उसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। तीनों ही फोन में सबसे बेकार डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन की, लेकिन बेस्ट लिस्ट में तो ये स्मार्टफोन आता ही है। साथ ही इसमें देखने को मिलता है बैक पे वही सेम सेंसर 3 यानी कि 50 का मेन, 8 का वाइड, 2 का माइक्रो लेंस। फ्रंट में आपको 16 की सेल्फी पंचोल डिजाइन के साथ देखने को मिलती है। साथ ही इसमें भी 5000mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर इसमें भी देखने को मिल जाता है। साइड माउंट फिंगर प्रेस स्कैनर, डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है। फीचर्स सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो क्वालिटी का फर्क है वो आपको देखने को इसमें मिल ही जाएगा। इस स्मार्टफोन के नेगेटिव पॉइंट काफी सारे हैं, जैसे कि 4G नहीं है, क्वालिटी इतनी खास नहीं है, स्मार्टफोन का डिजाइन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, स्मार्टफोन को भी लिया जा सकता है 13,000 से कम की कीमत में। तो ये दोस्तों ये हमारे मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन जो 13,000 से कम की कीमत में इस टाइम आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कोई ढूंढ ही रहे हैं स्मार्टफोन बेस्ट, तो आप इनमें से चुन सकते हैं। अगर आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग लेनी है, 5G लेना है, तो मोटो G51 5G से अच्छा कोई और चॉइस है नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं 5G में मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ। वैसे और हैं, जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। टॉप 3 की भी बात करेंगे, ओवरऑल बेस्ट ब्रांडिंग यानी कि सभी ब्रांडिंग को लेंगे और टॉप 3 की भी बात करेंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और जल्दी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। और वीडियो देखने के लिए क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना है। आज की वीडियो में मेरे लिए बेस्ट मोटो G51 5G है, क्योंकि वो फीचरिस्टिक 5G फोन है। बेस्ट फोन लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है तो मोटो G52 है। बाकी जो मोटो D32 है वो भी ठीक ठाक फ़ोन है, लेकिन बेस्ट मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, लिस्ट के अंदर मोटोरोला की ब्रांडिंग बेस्ट 3 में वो आता है, लेकिन बेस्ट 1 या 2 में वो नहीं आता है। तो बेस्ट स्मार्टफोन मैं आपको बता चुका हूँ। पसंद आए तो वीडियो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे दोस्तों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय।